चलिए एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं दिनेश के पास ही बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यूपी के वाराणसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बीएचयू में बीफ पर सवाल को लेकर के बवाल हो गया है। दरअसल एक सवाल पूछा गया और इस सवाल को लेकर के बवाल मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है बीएचयू से जुड़ी हुई, जहां पर एक सवाल पर बवाल मचा हुआ है और अब सवाल तैयार करने वाली टीम पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीफ को लेकर के सवाल था और इस पर अब कुलपति से लेकर के सवाल फ्रेम करने वाली टीम पर भी सवाल ही उठाए जा रहे हैं। तो यूपी के वाराणसी से बड़ी खबर, छात्रों ने यह कह दिया कि अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, तो हम उतर कर सड़कों पर प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन भी हम करेंगे। प्रश्न पत्र में सवाल पूछने पर छात्र भड़क गए। बीएचयू में बीफ के सवाल पर यहाँ छात्रों का ये प्रदर्शन, छात्र भड़के हुए हैं और छात्रों ने कुलपति को पत्र लिख करके इस पर आपत्ति भी जताई। आपको बता दें कि बैचलर ऑफ वोकेशन के सेकंड सेमेस्टर में बीफ पर सवाल पूछा गया था। भाई क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, क्या कहना है छात्रों का जो लगातार बवाल मचा हुआ है, सुनिए आप। काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना जी ने बहुत ही कुछ सोच समझ के बनाया था और महामना जी हमेशा से गोवंश संरक्षण के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने गौशाला विश्वविद्यालय में बनाया है और उसी विश्वविद्यालय में आज बीफ पर क्वेश्चन बनाया जा रहा है, बीफ की पढ़ाई कराई जा रही है, जो कि महामना के मूल्यों के कतई अनुरूप नहीं है। एग्जाम का पेपर बना है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहां पे मालवीय जी के बगिया में एक तरफ गौशाला बनाने का कार्य किया जाता है, तो यहां पे पेपर बनाया जा रहा है कि इस पे क्या हुआ। इनको तो पेपर यह बनाना चाहिए कि गौशाला से क्या क्या बच्चों को लाभ हो सकता है, लाभ में दूध दही के विभिन्न प्रकार, इनको ये पूछना चाहिए। अगर आप कोई नया कोर्स चला रहे हैं, बच्चे होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, तो उनको अधिक से अधिक ये बताएं कि उसके उत्पादन कितने हो सकते हैं, उत्पाद क्या क्या बन सकते हैं। यहाँ वोकेशनल कोर्स कुछ चलते हैं और उसी में होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग वाला जो कोर्स है, इसकी कल सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन था। उसके प्रश्न पत्र में क्लासिफिकेशन ऑफ बीफ पूछा गया और दुर्भाग्य ये कि वो उस विश्वविद्यालय में पूछा गया जिसके जो संस्थापक थे वो गौरक्षा आंदोलन के अग्रगण्य नेता थे। पूरे भारतवर्ष में काशी में भी जो है कि महामना की प्रेरणा से कई गौशालाएँ स्थापित की गई और आज भी जो चल रही हैं, और खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी उन्होंने जो है गौशाला की स्थापना करवाई। गौ गंगा की सेवा के लिए वो सतत जो है आजीवन उन संस्थाओं में, कई संस्थाओं के तो वो अध्यक्ष भी रहे, संस्थापक भी रहे और कई संस्थाओं के जो है वो मार्गदर्शक रहे, जो गाय और गंगा दोनों की सेवा के लिए जो है सतत। तो बीएचयू के एक सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र को लेकर के बवाल मचा हुआ है। यहां तक कहा जा रहा है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम आंदोलन करेंगे। छात्र नेताओं ने कहा है कि कार्रवाई कीजिए। कुलपति के खिलाफ भी विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। कुलपति के लिए भी कहा जा रहा है कि जब से वो आए हैं, जब से उन्होंने पदभार संभाला है और एंटी हिंदू जो है कैंपेन वहां पर चलाया जा रहा है, यहां तक आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस सवाल पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल होटल मैनेजमेंट के कोर्स को लेकर के जो सवाल पूछा गया उस पर बनारस में बवाल मचा हुआ है बीएचयू में। बिल्कुल, और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार बीएचयू में बीफ पर बवाल क्यों मचा हुआ है। बीएचयू में बीफ के सवाल पर बवाल मचा हुआ है। सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था, जिसके बाद वहां जो पढ़ने वाले छात्र स्टूडेंट्स हैं वो गुस्साए हुए हैं। दरअसल गुस्साए छात्रों का आरोप है कि हिंदू विरोधी हैं कुलपति, कुलपति जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं, यहां तक आरोप लगाया जा रहा है। और इसी के साथ नाराज छात्रों ने बीएचयू के कुलपति को चिट्ठी भी लिख दी है। चिट्ठी लिखकर के ये मांग की गई है कि इनसे संबंधित, इन सवालों से संबंधित जो लोग हैं जिन्होंने ये सवाल प्रश्न पत्र में डाले, उन सभी पर कार्रवाई की जाए। तो जिन्होंने सवाल फ्रेम किया उन पर कार्रवाई चाहते हैं, कुलपति के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, जिम्मेदार प्रोफेसर और कोर्स को कोऑर्डिनेट करने वाले जो अधिकारी हैं, जो प्रोफेसर है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही, यानी कि कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे छात्र। तो बिल्कुल बीएचयू में बीफ के सवाल पर बवाल मचा हुआ है।